कबूल है कि कहानी में जल्द ही वो मोड़ आएगा जब हालात बदलते दिखने शुरू हो जाएंगे। सुनिए इस बारे में क्या कहते हैं अयान। चीजें बदलने की ही कोशिश की जा रही है, चीजें अच्छी और बदलने की कोशिश की जा रही है। जैसे निखत का निकाह हो रहा है, एवरीबॉडी कैन सी इट, ये एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंटली निकाह हो गया। जैसे मैंने कहा, उसी रात जोया का निकाह था भाईजान के साथ, लेकिन नहीं हो पाया। मुकद्दर का खेल है, या जिसे आप इसे जो चाहे कहें। कोशिश यही है कि हाँ, चीज़ें बदलेंगी फॉर बेटरमेंट। वी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, वी आर होपिंग दैट थिंग्स वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एंड एवरी सिंगल पर्सन इन द फैमिली राइट नाउ इज जस्ट प्रेइंग एंड वर्किंग हार्ड कि ये जो एक हादसा हो गया, या ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हो गया है, उससे जो दो फैमिलीज और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जो तकलीफ या इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, घर का माहौल ठीक हो जाए, ये सारी चीज़ें कोशिश हैं। लेकिन फैंस को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हैव फेथ इन अस। हम वही हैं जिन्होंने आपको पिछले एक साल से इतना एंटरटेन किया है, हम वही लोग हैं, आज भी वही लोग शो बना रहे हैं, वही लोग हैं इसमें जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। देर आर सर्टन थिंग्स विच ऑलवेज हैड टू हैपन। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमने सडनली डिसाइड किया। एक कहानी होती है जिसे आप ब्रॉडली फॉलो करते हैं, एंड देर इज़ अ फार बिगर पिक्चर देन वॉट वी आर सींग राइट नाउ। एंड लेट मी अश्योर यू दिस थिंग कि विद इन अ फ्यू वीक्स, अ फ्यू मंथ्स, ये जो सारी चीज़ें आपको और आसानी से और क्लियरली दिखाई देंगी। अगर आपको टेलीटॉक इंडिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स देना भूलिएगा मत। टू वॉच मोर सब्सक्राइब टू youtube.com/teletalkindia